बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर गदर मचाने वाले सनी देओल के बंगले की नीलामी होने जा रही है। गदर 2 से धूम मचाने वाले सनी देओल को तब झटका लगा जब उन्हें एक बैंक का नोटिस मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। दरअसल मामला यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नोटिस के अनुसार उनका 56 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। यह नहीं चुकाने पर सनी के जुहू वाले बंगले सनी विला को नीलाम किया जाएगा। बताया गया है कि उन्होंने साल 2016 में अपना बंगला गिरवी रखकर लोन लिया था, जिसमें उन्होंने अब तक 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लोन के गारंटर सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और बॉबी देओल थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अखबार में जारी नोटिस में बताया कि सनी विला की अगले महीने 25 सितंबर को ई नीलामी की जाएगी। वही बैंक ने नीलामी के लिए रिजर्व मूल्य 51 करोड़ रुपए रखा है। यह बंगला मुंबई के पोश इलाके जुहू में गांधी ग्राम रोड पर स्थित है। फिल्म गदर 2 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है, जिससे सनी देओल रातों रात में लाइमलाइट में आ गए और सितारे बन गए। लेकिन इस फिल्म से पहले सनी देओल के सितारे कई सालों में गर्दिश में थे। उनकी फिल्में बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, जिनमें घायल वंस अगेन, पोस्टर बॉयज, भैयाजी सुपर हिट और मोहल्ला 80 जैसी फिल्में शामिल थी। वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने अपने बड़े बेटे करण देओल को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए साल 2019 में पल पल दिल के पास फिल्म का निर्देशन किया था, जबकि यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। अब वही दोनों नाम की फिल्म से उनके छोटे बेटे राजवीर देओल भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। हालांकि एक्टर सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी का नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 घंटे में ही वापस ले लिया है। बैंक ने कहा कि ये नोटिस तकनीकी कारणों से वापस लिया जा रहा है और सनी देओल की प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं होगी। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले सनी देओल के पिता धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के बारे में बड़ी बात कही थी कि उन्हें और उनके परिवार को बॉलीवुड में कभी उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल अपनी मार्केटिंग नहीं करते। उन्हें लगता है कि ना सिर्फ वो बल्कि सनी और बॉबी भी अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने के बावजूद भी आज तक उनके परिवार के काम को बॉलीवुड में कोई स्वीकार नहीं करता है। धर्मेंद्र ने आगे कहा कि मेरे परिवार को कभी उसका ड्यू नहीं मिला। हमारा परिवार सिर्फ फैंस के प्यार के दम पर बॉलीवुड में टिका हुआ है। इंडस्ट्री में मुझे भी कभी मेरे काम के लिए याद नहीं किया गया। वही 1959 में रिलीज हुई मेरी फिल्म सत्यकाम के लिए भी मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। धर्मेंद्र का ये सब कहना फैंस के लिए एक तरह से चौंकाने जैसा है। नमस्कार।